राजस्थान नाम के गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम टुनटुनी था और दूसरी का नाम पिंकी था। पिंकी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता टुन्नू ने दूसरी शादी कर ली, पर उसके पिता की भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसलिए माँ बाप न होने की वजह से पिंकी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। टूनी चिड़िया रोज ये सब देखकर बहुत चिंता में रहती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी इन दोनों के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। टुनटुनी, पिंकी, जल्दी आओ, तुम दोनों खाना खा लो। हाँ माँ, आ रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी आ रही हूँ। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 230-67 कितने होते हैं। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां जाती हैं और देखती हैं कि उनकी माँ ने उन दोनों के लिए खिचड़ी बनाई है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, तुमने ये खिचड़ी मेरे लिए बनाई है ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तेरे लिए ही बनाती है, क्योंकि तुम ही हो ना इनकी प्यारी बच्ची। मुझे नहीं चाहिए ये खिचड़ी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर पिंकी वहाँ से गुस्से में अपने घोंसले में चली जाती है। लेकिन ये सब बात सुनकर टूनी बहुत दुखी हो जाती है। मैंने मेरे दोनों बच्चों को अलग अलग कभी नहीं देखा, तुम दोनों के लिए मैंने एक ही खिचड़ी बनाई थी। टुनटुनी, तुम खा लो बेटी। ये कहकर टूनी चिड़िया पिंकी के पास जाकर उससे कहती है, तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं हो बेटी, तुम ऐसे कभी मत सोचो, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। ये कहकर टूनी चिड़िया पिंकी को प्यार से खाना खिलाती है। उसके बाद पिंकी और टुनटुनी चिड़िया स्कूल चले जाते हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन की तरह एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल समर टूर के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया भी अपना नाम देती है। दीदी, तुम भी आ रही हो ना? आ तो रही हूँ, लेकिन क्या फायदा, वहाँ पर भी तुम जैसी चुड़ैल बहन को झेलना पड़ेगा। मैं भी यही कहना चाहती थी। ऐसे दोनों बड़बड़ाते हुए घर चले जाते हैं। माँ, हम कल स्कूल टूर पर जा रहे हैं, दो दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मगर अच्छे से जाके आओ, उधर भी झगड़ते हुए मत रहना। पिंकी, तुम बड़ी हो ना, तो छोटी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर टूर के लिए ट्रेन में जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठते। ट्रेन में से उतरने के बाद भी पिंकी अपने दोस्तों के साथ और टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। शाम होने के बाद सब लौटकर ट्रेन के पास आ जाते हैं, लेकिन पिंकी चिड़िया नहीं आ पाती। अरे, ये दीदी कहाँ रह गई? इनका तो कुछ भी पता नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं इन्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को ढूंढते हुए जंगल के बीच रास्ते पर आ जाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया रास्ता भूल जाती है। पिंकी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। तभी पिंकी चिड़िया का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में फंस जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है। टुनटुनी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा ले, मैं गड्ढे में फंसी हुई हूँ। आखिरकार पिंकी की आवाज सुनकर टुनटुनी उसी ओर जाकर बहुत मेहनत करके पिंकी चिड़िया की जान बचा लेती है। दीदी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे बचा लिया और मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे टुनटुनी। तू छोटी है मुझसे, लेकिन तूने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। अब से हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर दोनों वहाँ से घर जाने के बाद ये हकीकत अपनी माँ को बताती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तब से दोनों बहनें बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगती हैं। ढोलकपुर नाम के घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वो बहुत गरीब थी और किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसका कोई मित्र नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से वो सदा उदास रहने लगी। वो दाने की तलाश में इधर उधर जाती और जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपना पेट भर लेती। हंसना मुस्कुराना तो जैसे